सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज हम बात करने वाले हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी रिसेंट में एंट्रेंस ख़त्म हुआ है बेसिकली मैं दो एंट्रेंस को टारगेट करती हूँ अपने इस चैनल पर वो है आपका डी यू और एक है आपका बी एच यू उसके अलावा जितने भी आपके लॉ एंट्रेंस होते हैं उन सब पे भी ये जो वीडियोज़ हैं जो इस चैनल पर आपको मिलती है वो सब के सब रेलिवेंट हैं बट आज हम बात करेंगे इन दोनों एंट्रेंसेज के बारे में जो डी यू और बी एच यू का है एल एल बी एंट्रेंस थ्री ईयर का ठीक है जो अब तक हो चुका है जो डी का था वो ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर को था और जो आपका बी एच का था वो फर्स्ट अक्टूबर को था ओके okay. सो so, ये दोनों चीजें अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ मेरा इस वीडियो को आज बनाने का मेन पर्पज यही है क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि आपके दोनों एंट्रेंस हो जाएं उसके बाद हम एक वीडियो में बात करें लेट्स इसीलिए इस वीडियो का जो टॉपिक है वो लेट्स टॉक है कि चलो बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या हुआ आपके डी और बी के पेपर में सो so, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कैसे हो आप लोग आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अब तो एंट्रेंस हो चुके हैं अब आप आ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका माइंड थोड़ा अपसेट होगा मतलब कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि कन्फ्यूजन में होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ लोग प्रटी कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं वी विल क्लियर दिस ईयर चाहे डी का बात कर लो चाहे बी की बात कर लो किसी न किसी में हो जाएगा फिर दोनों में ही कहीं को मतलब श्योरिटी होगी कि नहीं वी विल क्लियर दिस ईयर और कुछ ऐसे होंगे कि यार नहीं होने वाला छोड़ो उसके नेक्स्ट ईयर देखेंगे या फिर कुछ और चीज़ देख लेते हैं सो so, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे हो आप लोग आप लोगों को क्या लग रहा है क्या होने वाला है आपका फ्यूचर किस तरीके से आपके साथ अब आप नेक्स्ट स्टेप लेने वाला है तो ये क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी और मैं ये क्वेश्चन आपको ही बोलूंगी आप अपने आप से पूछो कि आप लोग कैसे हो इस टाइम अब आप लोगों का जो आपने किसी ने वन ईयर की प्रिपरेशन दी होगी किसी ने सिक्स मंथ की दी होगी किसी ने थ्री मंथ्स की दी होगी किसी ने वन मंथ की दी होगी ये सारे जो आपकी प्रिपरेशन है वो इस क्वेश्चन पर आकर फ्रेम हो जाते हैं कि आपने अपनी ये जो इतना टाइम दिया है प्रिपरेशन को उसमें आपने क्या किया है आपका हुआ आपका होगा आपका नहीं होगा ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपके माइंड में चल रहे होंगे पेपर देने के बाद ही चलने लगते हैं कि यार मेरा पेपर कैसा आएगा क्योंकि सबको पता है कि सबको अपना पता होता है कि आपने अपना पेपर कैसे दिया है ओके okay, सो so, अब हम देख लेते हैं कुछ चीज़ों को जैसे कि बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बता रहे हैं क्वेश्चंस आ गए हैं उनके पास और अब वो बता रहे हैं कि आंसर की उसका आंसर क्या होने वाला है उसका आंसर क्या नहीं होने वाला है और आप लोगों ने कहाँ तक किया है ये सारी चीज़ें बहुत सारे चैनल्स होंगे बट मैं आपको सही बात बताऊँ ये ऐसा टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन को एनालाइज़ करो ठीक है आ, आप जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट रहता है ना पेपर के टाइम वो अपना ना क्वेश्चन माइंड में, में लेकर निकलता है और फिर वो अपना नेट पर सर्च करता है फ्रेंड्स से पूछता है वो सब चीजें कर लेते हैं बट अभी अगर आप इस लेवल पर कहो कि हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करें गाइज मत करो किसी भी यूट्यूब चैनल में मत देखो मेरे हिसाब से क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार आपने ये अगर उन अकॉर्डिंग्स में जिसने जिस भी वीडियो को आप देख रहे हो बहुत सारे चैनल है जिसने अब तक एनालाइज कर दिया है पेपर को मैंने काफी सारी वीडियोज अब तक देख ली है तो अब आप लोग सोच रहे हो उन लोगों ने कह दिया है कि ऐसा होगा ऐसा होगा किसी का आंसर सही होगा किसी का आंसर गलत होगा वो आपके माइंड पर प्रेशर डाल रहा है कि क्या किया है मैंने मतलब मेरा सही है कि गलत है ये सारी चीज़ें बट गाइज मैं आपको सही बताऊं डी यू ना अनप्रिडिक्टेबल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसके आंसर की भी वैसी ही होती है ठीक है सो so, मैं आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि, कि कि आप मत जाइए किसी भी YouTube चैनल के साइड्स पर ठीक है आप देख ले रहे हो ठीक है मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि देखने से डर रहे होंगे मैं भी मैं भी बहुत डरती थी कि जब पेपर आया होगा तो मैं भी बहुत डरती थी तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करती तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मत करो पेपर मत देखो कौन सा क्या होने वाला है मतलब होगा कि नहीं होगा बच्चों ने क्या किया है क्या नहीं किया है वो मैम जो बता रही हैं वो सर जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं ये सारे जो क्वेश्चन ना आपके माइंड में बहुत ज्यादा इस बार आ रहे होंगे सो प्लीज डोंट गो प्लीज डोंट सी दिस काइंड ऑफ वीडियोज ठीक है और अब हम बात करते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले बच्चों के लिए जिन्होंने सारा एंट्रेंस दिया है जिसके लिए मैं इतनी देर से बात कर ही रही हूँ बट फिर भी मैं दोबारा इस बात पर कराऊंगी कि क्वेश्चन का लेवल क्या था ठीक है मैं आपको सही बताऊँ मुझे बहुत मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं जितने भी बच्चों से मुझे पता चला है मतलब ऐसा ऐस सच मेरी कोई बड़ी फैमिली नहीं है यूट्यूब पर है, फिर कहीं पर भी कि मुझे बहुत ऑथेंटिक नॉलेज मिले बट एस सच जितना मुझे पता चला उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ तो पेपर जो था वो बच्चों के मिक्स रिव्यूज है कि मतलब वो कह रहे हैं कि पेपर ईजी था कुछ कह रहे हैं कि मॉडरेट था कुछ कह रहे थे हार्ड था और कुछ का तो मैंने सुना कि वो यूपीएससी से कंपेयर कर रहे थे कि पेपर का जो ट्रिकीनेस था वो कुछ ऐसा था कि मतलब उन्होंने काफी सारे ऑप्शन को ऐसा दे रखा था कि आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा है यार आपको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा आप एंट्रेंस दे रहे हो ठीक है ये जो एंट्रेंस है ना इसीलिए इसको इतना इसका इसीलिए इसको इतनी वेटेज इस दी जाती है क्योंकि वो एंट्रेंस है वो आपकी रीडिंग स्किल्स को देखना चाहता है ड्यू आपको समझना चाहता है बेचू आपको समझना चाहता है कि आप कैसे पेपर कर रहे हो ठीक है सो वो सारी चीजें हैं और अगर मैं पेपर का लेवल की बात करूँ तो आप लोग अभी नहीं बता सकते कि मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनका अलग अलग रिव्यूज़ है तो गई इस बार इस बारे में बात करना अभी मेरे को नहीं लगता कि करना चाहिए पेपर uh, का लेवल मेरे को ऐसा लगता है कि मॉडरेट टाइप का था जितने क्वेश्चन मैंने मतलब वीडियोज़ में देखे और जो भी चीज़ें देखी वो मॉडरेट था और हाँ क्वेश्चन ट्रिकी थे क्योंकि क्वेश्चन में uh... Uh, बहुत सारे ऑप्शन थे उन ऑप्शंस में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते उन क्वेश्चंस को टिक करना था एक एक छोटी छोटी माइनर से अगर आप डिफरेंस देख लोगे कर लोगे अगर वो होगा तो ठीक है नहीं होगा तो गलत हो गया ठीक है तो इसलिए मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करने वाली फिर हम देख लेते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि मैम इस बार हो जाने वाला है मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बोल रहे हैं कि इस बार हो जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कन्फ्यूज है कि यार फिफ्टी फिफ्टी है हो जाए या फिर सेवेंटी थर्टी वाला भी सेवेंटी थर्टी वाला भी रेशियो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है कुछ बच्चे हैं कि कन्फर्म है कि नहीं होने वाला इस साल तो कुछ नहीं होने वाला नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे या फिर आगे कुछ देख लेते हैं ठीक है सो अगर जो बच्चे कॉन्फिडेंट है उनकी तो टेंशन ही खत्म है उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है कि हमारा हो जाने वाला है हमने इतने सफिशेंट क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन हमें आते थे तो इसलिए उन बच्चों का हो जाने वाला है वो नहीं सोचने वाले अब वो अपना आगे फ्यूचर को देखेंगे क्योंकि अब उनके जो नेक्स्ट थ्री ईयर हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनके जो नेक्स्ट ईयर हैं वो सेट है ठीक है अब वो करने वाले हैं लॉ डी से बी से जिस भी कॉलेज से उनको लगता है जिस कॉलेज से उनको ऐसा जिस कॉलेज को उनका पेपर अच्छा गया है जिस यूनिवर्सिटी का तो वो उस एरिया में कन्फर्म है सो उनको इस बात की टेंशन नहीं है कि पेपर में क्या होगा मतलब अब वो सेट है उनको पूरा क्लियर है कि यार हमारा हो जाने वाला है तो उनको अब आगे अपनी को देखना है कि ईयर बाद बाद मतलब तीन साल बाद वो क्या करने वाले हैं उनको क्या चीज एल एल फिर एडवोकेसी करना है जो भी उन्हें करना है वो आगे अपने अब वो उस टाइम के बाद तीन साल उनके रिजर्व हो चुके हैं ठीक है वो बच्चे जो कन्फ्यूजन है जिनका फिफ्टी फिफ्टी है जिनका सेवेंटी थर्टी है कि यार हो तो जाना चाहिए अब हमने इतने क्वेश्चन तो कर रखे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन गलत हैं कुछ क्वेश्चन सही है मतलब इस जो कन्फ्यूजन में है वो बच्चे देखो उनके लिए थोड़ी टेंशन की बात है क्योंकि अभी उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार फिफ्टी फिफ्टी है ठीक है उन्हें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या होने वाला है फ्यूचर में मतलब क्या होगा पेपर आंसर की आएगी तो हमारी कौन सा आंसर सही होंगे कौन सा आंसर गलत होंगे ये जो कन्फ्यूजन है बच्चों में ये गुड है मतलब होना चाहिए क्योंकि जिन बच्चों को डाउट है उनको है ठीक है सो so, उन लोगों को उन लोग वो जो बच्चे हैं उनको उनको टेंशन होनी लाजमी है उनको सोचना पड़ेगा अगर नहीं होगा तो फिर भी उनको सोचना है हो जाएगा तो फिर वो उनके लिए अच्छी बात है तो ये सारी चीजें वो कंफ्यूजन वाले बच्चों के लिए तो गाई शांत हो जाओ अब आपको सोचने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि पेपर हो चुका है आप कर चुके जाओ पेपर करना चाहिए तो आपको अपनी वो जो प्रिपरेशन का पीरियड आपने लिया है ना जो आपका वन ईयर थ्री मंथ सिक्स मंथ का जो पीरियड है आपने जो भी इस चीज को जो जितना भी टाइम दिया है उसके ऊपर आपको फेथ रखना चाहिए कि आप कर लोगे आपका हो जाएगा इस चीज को करके इस चीज को अपने माइंड में रखोगे अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखोगे तो डी वाले वाले आपको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे बीच वाले को पॉजिटिव तरीके से देखेंगे ठीक है मतलब आपके पेपर से दिखेगा वो क्या देखेंगे मतलब ऐसा चीज तो आपको वो चीज़ ध्यान रख के करनी है ओके सो टेंशन मत लो यार अब तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पेपर हो चुका है ओके आंसर की आएगी आंसर की पे आपको देखना पड़ेगा जो चैलेंज करने वाले क्वेश्चन है गाइज प्लीज उनको चैलेंज करना uh, क्योंकि उनको चैलेंज करने से अगर वो क्वेश्चंस गलत निकलते हैं आपको फ्री के फोर मार्क्स मिल जाने वाले हैं तो उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करिएगा और वो बच्चे जो श्योर हैं कि यार नहीं होने वाला इस ईयर दे विल नॉट क्लियर दिस ईयर सो गाइज उन बच्चों को फिर तो वो या फिर तो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना शुरू कर दें मतलब शुरू क्या अब तो थोड़ा रिस्क मतलब थोड़ा मजे करें तब तक उनका एंट्रेंस का आंसर क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे ना जो श्योर है कि मेरे नहीं होगा बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ना आ जाता है ना मतलब उनके भी उनका लक जो होता है उनके साथ होता है तो इस टाइप की चीज़ें होने वाली हैं तो अभी आप रुक जाओ मतलब जिन भी बच्चों ने इस बार एंट्रेंस दिया वो सबके सब, सब रुको अभी ठीक है आंसर की का वेट करो रिजल्ट का वेट करो और अपनी जितनी वैसे तो थ्री लिस्ट तीन लिस्ट तक आती हैं तीन लिस्टें आती हैं ठीक है थ्री कट ऑफ आती हैं और अगर उन थ्री में आपका हो जाता है तो ठीक है नहीं तो आगे भी जो कट ऑफ निकलती है ना मतलब अगर एट कट ऑफ तक भी निकलती है तब आप एट कट ऑफ तक भी अपनी देखो ठीक है तो मैं वही आपको रिकमेंड करूंगी कि अपनी कट ऑफ्स को देखते जाओ ठीक है सो so, वो तीन टाइप के बच्चे हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच रहे होंगे अब हम आते हैं 2022 वाले बच्चों के लिए उनको इस पेपर से क्या समझना चाहिए अभी तो खैर पेपर रिलीज नहीं हुआ है तो जब वो पेपर आएगा मैं खुद उसको देखूंगी आप लोग भी उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे क्यों कन्फ्यूज हैं कि पेपर कैसा आया है ठीक है सो so, ट्वेंटी वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब एक अच्छा होने वाला है ये वाला ये वाला ईयर उनके प्रिपरेशन के लिए क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा कि जहाँ आपके पेपर जून जुलाई के टाइम में होते थे जून जुलाई के टाइम में होते थे और वहीं इस बार आपका पेपर सेप्टेम्बर के एंड में हुआ है तो यार आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मिला है प्रिपेयर करने के लिए ड्यू वालों को बहुत ज्यादा टाइम मिला है अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए तो उन्होंने अपना पूरा टाइम लेके ले क्वेश्चन को फ्रेम किया आप लोगों ने भी पूरा टाइम लेके अपने आंसर्स को पढ़ा है चीजों को पढ़ा है ठीक है सो तो उनके पास बहुत ज्यादा टाइम था ट्वेंटी वाले बच्चों के लिए कोविड की सिचुएशन अब नॉर्मल हो रही है आप लोगों ने देखा थर्ड वेव का भी मुझे आज तक ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है ठीक है तो पेपर का ट्वेंटी ट्वेंटी टू में अब अगर नेक्स्ट ईयर भी सब चीज़ें नॉर्मल रही तो आई गेस्ट कि पेपर ऑन द टाइम होगा और फिर उसके बाद फिर उन लोगों को मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाले बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर अभी करना शुरू कर देना चाहिए अभी तो नहीं खैर मतलब नेक्स्ट ईयर जो आपका ट्वेंटी 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 टू आएगा मतलब जनवरी से आपको अपना टाइम देना शुरू करना चाहिए अभी तो आप भी चिल कर सकते हो मतलब मतलब न्यूज़पेपर को तो आप करते रहो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कुछ चीज़ें देख रहे हो देखते रहो अगर आपका टारगेट है डी और बी क्योंकि यू डी और बी एच ही दो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि मेरे माइंड में हमेशा रहती हैं और किसी यूनिवर्सिटी को मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी अपने टाइम में भी और ना ही मैं देती हूँ मतलब ये दोनों जो यूनिवर्सिटी हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है और डी से तो खैर मैं हूं तो फिर वो बात मेरे पास अलग ही है सो so, ये सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाले बच्चों को प्लीज क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके जाओ पेपर जो है वो आप मॉक्स लो चाहे ना लो मतलब मॉक्स करना बहुत जरूरी है मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं बट मॉक्स लो चाहे ना लो क्योंकि अगर आपको सिंगल्स है यूनिवर्सल है अरिहंत है ये सारी जो बुक्स हैं इनमें काफी सारे क्वेश्चन है ए पी बाहर दो जिसमें तो भाई बर्डनस ऑफ क्वेश्चन है कि आप आराम से अगर आप नहीं करते तो वो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कर सकते हो तो अगर आप मॉक टेस्ट एक बार को नहीं भी लेते तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके आप इस पेपर को निकाल सकते हो ठीक है और अगर मैं बात करूं तो उसी तरीके से आपको देखना और अगर क्वेश्चन पेपर को अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लेते हो तो आपका 50 परसेंट काम यहीं पर खत्म हो जाता है मैं सही बता रही हूँ क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना एक आ, मतलब एक ट्रिक है और एक टैलेंट है जो बच्चे अच्छे से क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेते हैं तो वो चीज़ आपको डेवलप करनी है अपने अंदर और इस क्वेश्चन मतलब ट्वेंटी से आपको समझ लेना चाहिए कि ट्वेंट्वी में अगर इस टाइप की चीजें आ रही है तो ट्वेंटी में किस टाइप की चीजें आ सकती है तो ये जो आपके जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको समझो उनको देखो किस तरीके से फ्रेम किया गया है तो उस तरीके से अपने आप को मतलब फ्रेम करना स्टार्ट करो तो ये जो वीडियो थी 2021 वाले बच्चों के लिए लास्ट थी क्योंकि अब आप लोगों के पास अब तो खैर अब आप लोग अपना आचिकी का वेट करना है और आ, रिजल्ट का वेट करना है और जो भी जितने अभी कट ऑफ्स आने वाले उनका वेट करना है बट ट्वेंटी वाले बच्चों के लिए अब चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं ठीक है उन लोगों को अब चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए अपनी अपना पढ़ाई को थोड़ा सी थोड़ी सी सीरियसनेस लानी चाहिए बट अभी नहीं अभी आप लोग भी चिल करो क्योंकि अभी अकबर काफ़ी टाइम है आप आराम से पढ़ना शुरू करना बट आराम से इतना भी नहीं कि टाइम ही निकाल दो ठीक है तो वो भी नहीं करना है सो so, अब मैं खत्म करती हूँ आज की वीडियो को यहीं पर जब भी मैं आपकी कट ऑफ आने वाली आएगी या फिर आंसर से ही आएगा फिर रिजल्ट आएगा मैं आपको जरूर नोटिफाई करूँगी आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी और यूट्यूब आपके पास सही है तो गाइज डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल और शेयर भी कर दो ठीक so, है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय और नेक्स्ट वीडियो आने वाली ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाले बच्चों के लिए किस तरीके से उनको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए अभी से क्योंकि अब आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम भी उस टाइम चलता है और आप लोग और यूनिवर्सिटी को ट्राई करते हो और अपने कोर्सेज को ट्राई करते हो तो उनके साथ साथ आप एल एल बी को किस तरीके से परस्यू कर सकते हो तो मतलब एंट्रेंस को किस तरीके से सा अपने साथ साथ ले सकते हो तो वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय